जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, एक बार एक भ्रमर सायंकाल के समय एक कमल पर बैठकर उसका रस पी रहा था। इतने में सूर्यास्त होने को आ गया। सूर्यास्त होने पर कमल संकुचित हो जाता है, अतः कमल बंद होने लगा। पर रस लोभी मधु विचार करने लगा, अभी क्या जल्दी है, रात भर आनंद से रसपान करेंगे। रात बीतेगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्यदेव उदित होंगे, उनकी किरणों से कमल पुनः खिल उठेगा, तब मैं बाहर निकल जाऊंगा। वह भ्रमर इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि हाय, एक जंगली हाथी ने आकर कमल को डंडी समेत उखाड़कर दांतों में दबाकर पीस डाला। यों उस कमल के साथ भ्रमर भी हाथी का ग्रास बन गया। इस प्रकार पता नहीं काल रूपी हाथी कब हमारा ग्रास कर जाए। मृत्यु आने पर एक सांस भी अधिक नहीं मिलेगी सज्जनों। मृत्यु काल आने पर एक क्षण के लिए भी कोई जीवित नहीं रह सकता। उस समय कोई कहे कि मैंने वसीयतनामा बनाया है, कागज तैयार हैं, केवल हस्ताक्षर करने बाकी हैं, एक सांस अधिक मिल जाए तो मैं सही कर दूं, पर काल यह सब नहीं सुनता, बाध्य होकर मरना ही पड़ता है। यह है हमारे जीवन की स्थिति। अतएव मानव जीवन की सफलता के लिए संसार के पदार्थों से ममता उठाकर भगवान में ममता करनी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न दोष न रोष दुख दास भय भवपार। हम प्राणी पदार्थों में ममता बढ़ाते हैं, पर यह ममता स्वार्थ मूलक है। स्वार्थ में जरा सा धक्का लगते ही यह ममता टूट जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण से कहते हैं, माता पिता भाई स्त्री शरीर धन सुहृद मकान परिवार, सबकी ममता के धागों को सब जगह से बटोर लो। ममता को धागा इसलिए कहा गया है कि उसे टूटते देर नहीं लगती। फिर उन सबकी एक मजबूत डोरी बट लो, उस डोरी से अपने मन को मेरे चरणों से बांध दो, अर्थात मेरे चरण ही तुम्हारे रहें और कुछ भी तुम्हारा न हो, सारी ममता मेरे चरणों में ही आकर केंद्रित हो जाए। ऐसा करने से क्या होगा देखो, अस सज्जन मम उर बस कैसे हृदय, लोभी हृदय बसहूँ धन जैसे। ऐसे सत्पुरुष मेरे हृदय में वैसे ही बसते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन, अर्थात लोभी के धन की तरह मैं उन्हें अपने हृदय में रखता हूँ। अतः संसार के प्राणी पदार्थों से ममता हटाकर एकमात्र भगवान में ममता करनी चाहिए। भगवान और भोगों में बड़ा भारी अंतर है। उनके स्वरूप साधन और फल के बारे में मैं आपको 7 बातें बताता हूँ। पहला, भोगों की प्राप्ति इच्छा से होती है, इसमें कर्म की अपेक्षा नहीं है, अतः यह सहज है। भोगों की प्राप्ति में कर्म की अपेक्षा है। प्रारब्ध कर्म के बिना चाहे जितनी प्रबल इच्छा की जाए भोग नहीं मिलते। दूसरा, भगवान एक बार प्राप्त हो जाने पर कभी बिछुड़ते नहीं, पर भोग बिना बिछुड़े रहते नहीं, उनका वियोग अवश्यंभावी है, चाहे भोगों को छोड़कर हम मर जाएं। तीसरा, भगवान की प्राप्ति जब होती है पूरी ही होती है, क्योंकि भगवान नित्य पूर्ण है, पर भोगों की प्राप्ति सदा अधूरी रहती है, क्योंकि भोग कभी पूर्ण है ही नहीं। चौथा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होते ही पापों का नाश होने लगता है, पर भोगों को प्राप्त करने की इच्छा होते ही पाप होने लगते हैं। पांचवा, भगवान को प्राप्त करने की साधना में ही शांति मिलती है, पर भोगों को प्राप्त करने की साधना में अशांति बढ़ जाती है। छठा, भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाला सुख शांति पूर्वक मरता है, पर भोगों में मन रखते हुए मरने वाला अशांति और दुख पूर्वक मरता है। सातवां, भगवान को स्मरण करके मरने वाला निश्चय ही भगवान को प्राप्त होता है। भगवान में मन रखकर मरने वाला निश्चय ही नरकों में जाता है।
भोगों में मन रखकर मरने वाला निश्चित ही भोगों में जाता है। इन सात भेदों को समझकर मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य निरंतर भगवान का भजन ही करे। भगवान का भजन नित्य अखंड और पूर्ण शांति देने वाला है। सदा सर्वदा भगवान का स्मरण बना रहे, इसलिए समस्त कार्य भगवत सेवा के भाव से करने चाहिए तथा सब भूत प्राणियों में भगवत भाव करना चाहिए और सबको मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। यह बहुत ही श्रेष्ठ साधन है। जिससे भी हमारा व्यवहार पड़े उसी में भगवत भाव करें। जय श्री राधे।